सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल। आई एम रोहित फ्रॉम महाजन ट्रेडर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले यस बैंक के बारे में, और काफ़ी पॉजिटिव इसमें हमें काफ़ी पॉजिटिव वे में जाता हुआ स्टॉक नज़र आ रहा है, और काफ़ी हद तक हमें इसमें प्रॉफिट मिल सकता है आने वाले टाइम में। सो गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना फोर शेयर्स के अपडेट्स के लिए। और अगर आपने पहले से ही यस बैंक में इन्वेस्ट किया है, अगर आपने पहले से ही इसके स्टॉक बाय करके रखे हैं, तो आपको काफ़ी हद तक इसमें रिटर्न मिल सकता है आने वाले टाइम में, बट आपको पेशेंसली वेट करना होगा। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ पॉजिटिव नज़र आ रहा है और स्टॉक काफ़ी रिटर्न देने वाला है। सो गाइस, कैसे देने वाला है मैं आपको पूरा बताऊंगा। वीडियो के एंड में इसका चार्ट एनालिसिस करेंगे, इसके फाइनेंशियल जो है चार्ट के बारे में हम देखेंगे कि क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ इसके बारे में न्यूज़ है। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो 10.80 रुपये पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अभी की मैं बात कर रहा हूँ, करंट मार्केट में हम वीडियो बना रहे हैं, तो 10.80 रुपये पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और बात करें तो कितना रिटर्न दिया है, तो आप देख सकते हो 0.050 पैसे का इसने रिटर्न दिया है, और साथ ही 46% तक स्टॉक ऊपर हमें 0.46% तक स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। वही अगर बात करें हम आज की, तो स्टॉक ने ओपन किया, स्टॉक ने 10.75 रुपये पर इसने ओपन किया था, फिर 10.80 रुपये पर स्टॉक गया, फिर अच्छा खासा ऊपर गया 10.95 रुपये तक, 1 रुपये तक का रिटर्न देने वाला था, बट पता नहीं कैसे इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी काफ़ी चल रही है, उसके कारण से नीचे आ गया। वही अगर हम 5 दिन के टाइम फ्रेम पर बात करें, तो स्टॉक आप देख सकते हो यहाँ पर 11.15 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, फिर नीचे आया लगभग 10.90 रुपये पर, फिर ऊपर गया 11.10 रुपये पर, फिर नीचे आते आते स्टॉक के काफ़ी हद तक नीचे चले गया। वही अगर बात करें इसके रिटर्न्स की, तो 5 दिन के रिटर्न्स की अगर बात करूँ, तो 0.30 पैसा ही स्टॉक हमें गिरता हुआ दिख रहा है, और 2% लगभग 2.5% तक की हमें गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। वही अगर 1 महीने की बात की जाए, तो स्टॉक 12.75 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, फिर धीरे धीरे नीचे आता गया, और 5 अगस्त को 12.40 रुपये पर स्टॉक ट्रेड करने लग गया था, फिर नीचे आया लगभग 11 अगस्त तक, तो 11.95 रुपये पर आ गया था, फिर 11.25 रुपये पर 17 अगस्त को आ गया था, और 10 रुपये पर स्टॉक आ गया 23 अगस्त को, और अब ये 10.80 रुपये पर ही ट्रेड कर रहा है, और काफ़ी उतार चढ़ाव इसमें देखने को हमें मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। वही अगर बात की जाए हमें 6 मंथ के टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक अपना 16.30 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, फिर लगभग नीचे आ गया 14 रुपये पर, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आते आते स्टॉक चले गया था 10.85 रुपये तक। ओवरऑल अगर देखा जाए स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है, अगर बात करें 6 मंथ का, तो रिटर्न तो नहीं है, बट स्टॉक नीचे जाता हुआ हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो 5.45 रुपये का ही, या 5.45 रुपये तक स्टॉक नीचे की ओर चले गया था। वही अगर परसेंटेज में बात करूँ, तो 33.44% तक की हमें गिरावट यहाँ पर 5-6 मंथ में देखने को मिल रही है। वही अगर बात करें गाइस 1 ईयर के टाइम फ्रेम पर, तो स्टॉक 3.80 रुपये हमें गिरता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है, और साथ ही आप देख सकते हो लगभग 25% तक की इसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है, 25.94% तक स्टॉक हमें यहाँ पर गिरता हुआ नज़र आ रहा है, पर देखना होगा कि इसमें आगे क्या होता है। वही अगर पास्ट 1 ईयर के अगर चार्ट की अगर हम पूरा तरीके से समझें, तो आप देख सकते हो 14.65 रुपये पर ट्रेड कर रहा था स्टॉक, फिर 12.40 रुपये तक आ गया था, फिर हंसना हाई भी लगाया था लगभग आप देख सकते हो 20 रुपये तक का, फिर तब से तो स्टॉक नीचे ही आता गया, और 10.85 रुपये पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो 1 ईयर की अगर बात करें, तो आप देख सकते हो काफ़ी उतार चढ़ाव स्टॉक में देखने को मिले थे, कभी स्टॉक ने रिटर्न दिए, कभी स्टॉक नीचे आया, कभी फिर से रिटर्न दिए, कभी नीचे आया, और पास्ट अगर पिछला इसका कुछ रिकॉर्ड्स के हम नज़र डालें, तो स्टॉक आप देख सकते हो 300-400 रुपये तक ये स्टॉक चले गया था, बट अभी ये नीचे ही आता हुआ हमें दिख रहा है। वही अगर आज ओपनिंग की अगर बात करें, तो हम बाद में भी इस पर एक वीडियो बना देंगे अगर ये ऊपर की ओर जाता है, बट अगर बात करें इसके मार्केट कैप की हम पहले बात करेंगे, तो आप देख सकते हो 27.16 हज़ार करोड़ का इसका मार्केट कैप है गाइस,
और वही अगर बात करें 27,16,000 मार्केट कैप, काफ़ी बड़ी बात होती है। और वही अगर बात करें इसके बाउंड वीक के हाई की, तो 20.75 रुपये इसका बाउंड वीक का हाई है। और लो की अगर बात करें तो 10.50 रुपये इसका लो है। और प्रीवियस क्लोजिंग की अगर बात करें तो 10.80 रुपये इसकी प्रीवियस क्लोजिंग भी ये दे सकता है। वही अगर न्यूज़ की बात करें तो काफ़ी न्यूज़ में स्टॉक रह सकता है। आप देख सकते हो येस बैंक शेयर स्टॉक ट्रेडिंग बिलियो मेजर ब्रेकडाउन लेवल। तो काफ़ी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इस बैंक का ही नाम यहाँ पर आप देखो तो काफ़ी जगहों पर देखने को मिल सकता है। वही अगर इसके फाइनेंशियल्स रिपोर्ट की देख बात करें, हम फाइनेंशियल्स रिपोर्ट की हम बात करने वाले हैं, तो फाइनेंशियल्स रिपोर्ट में आप देख सकते हो यहाँ पर तो काफ़ी अगर बात करें मार्च 2021 की, तो स्टॉक में काफ़ी गड़बड़ी हमें देखने को मिली थी और स्टॉक नीचे की ओर ही हमें जाता हुआ नज़र आ रहा था पिछले महीनों में स्टॉक नीचे की ओर हमें जाता हुआ दिख रहा था। बट अगर बात करें जून 2021 की अगर बात करूं मैं, तो स्टॉक ऊपर की ओर हमें जाता हुआ दिख रहा है। बट देखना होगा कि क्या कुछ इसमें होता है, किस लेवल तक स्टॉक ऊपर जाता है। वही अगर बात करें अभी की जून की बात करूं मैं, तो 18.44 बिलियन कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट कर रही है। और बात करें नेट इनकम की, तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर यहाँ पर। अब पहले बात कर लेते हैं रेवेन्यू की। रेवेन्यू यहाँ पर ग्रीन कलर का जो रेवेन्यू है वो 18.44 बिलियन है। और वही अगर बात करें इसके नेट इनकम की, तो 2.04 बिलियन है। वही अगर बात करें नेट प्रॉफिट मार्जिन की, तो ये 11% की हमें तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। वही ऑपरेटिंग इनकम की बात करें तो 2.73 बिलियन हमें बढ़ता दिख रहा है। वही परसेंटेज में बात करें तो स्टॉक में काफ़ी पॉजिटिवनेस हमें नज़र आ रही है। वही अगर मार्च की बात करें तो काफ़ी स्टॉक माइनस में चला गया था। यही रीज़न है कि स्टॉक हमें नीचे की ओर जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो गाइस अगर मार्च में अगर स्टॉक काफ़ी रिकवरी की ओर बढ़ता, थोड़ा बहुत भी अगर रिटर्न हमें मिलता था अगर मार्च 2021 में, तो काफ़ी हद तक हम इसमें पैसा कमा सकते थे। वही अगर मार्च की अगर बात की जाए, आप यहाँ पर देख सकते हो दिसंबर 2020 की बात की जाए, तो स्टॉक 15.87 बिलियन ही बढ़ा था, रेवेन्यू इसने जनरेट किया था। वही अगर इनकम की बात की जाए, तो 1.48 बिलियन की हमें यहाँ पर नेट इनकम यहाँ पर देखने को मिल रही है। और काफ़ी कुछ तब भी ये डाउन ही था, अब देख सकते हो। अगर बात की जाए हम जून 2020 की बात करें, या सितंबर 2020, या फिर दिसंबर 2020, मार्च 2021, या जून 2021, तो इन सब में कॉमन चीज़ ये थी कि जून, सितंबर और दिसंबर और जून, ये सब सिमिलर ही हमें देखने को मिल रहा है। बट मार्च 2021 में अगर देखें, तो स्टॉक, नेट इनकम, रेवेन्यू कंपनी का काफ़ी हद तक नीचे की ओर चले गया था। तो अगर बात करें अगर जून 2021 की, तो स्टॉक तब भी पॉजिटिव हमें यहाँ पर दिख रहा था। लगभग 14 बिलियन का रेवेन्यू इसने रेवेन्यू जनरेट किया था, 14.62 का। और वही सितंबर 2020 की बात की जाए, तो 14 बिलियन कंपनी का रेवेन्यू था। और बात की जाए दिसंबर 2020 की, तो 15.87 था। और मार्च में तो 34 बिलियन कंपनी माइनस पे थी। यही एक रीज़न है कि कंपनी काफ़ी एक बैंक है येस बैंक, काफ़ी हद तक नीचे चले गया था। वही अगर जून की बात की जाए, तो 18.44 बिलियन है और अब ये ऊपर की ओर जा रहा है। और अगर बात की जाए इन 5 क्वार्टर्स की बात की जाए, तो कंपनी अभी जो येस बैंक है ऊपर की ओर जाता हुआ हमें दिख रहा है। और जो इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ है गाइस, इसके एनुअल्स में भी अगर देखा जाए, तो अभी भी नीचे की ओर जाता हुआ दिख रहा है। बट कभी भी ये ऊपर की ओर नेट इनकम आ सकता है। अब बात करते हैं इसके चार्ट की। चार्ट एक इम्पोर्टेंट थिंग होती है किसी भी स्टॉक के लिए, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और किस हद तक स्टॉक बढ़ सकता है, हम काफ़ी कुछ इसमें बात करने वाले गाइस। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक सिंपल सा हमने चार्ट बनाया है, सिंपल सा हम एनालिसिस करने वाले हैं। और उस एनालिसिस में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये फॉलिंग वेज जैसा ही एक पैटर्न है, फॉलिंग वेज जैसा पैटर्न है। और आप देख सकते हो कि जब भी ब्रेकआउट्स मिलते हैं, तब रिटर्न्स हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स पर मिलते हैं। अगर बात की जाए इसके पिछले ही रिकॉर्ड्स की, तो हमें यहाँ पे एक ट्रेड लाइन बना देता हूँ। यहाँ पे मैं एक सिंपल सी ट्रेड लाइन बना देता हूँ आपको एग्जांपल के लिए कि स्टॉक कितना बढ़ सकता है, आपको मैं प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। तो आप देख ही सकते हो यहाँ पर से स्टॉक को मान लीजिए रिजेक्शन मिला, और रिजेक्शन मिला भी, फिर सपोर्ट लेते गया और फॉलिंग वेज जैसा ही एक पैटर्न है गाइस। तो यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिलने के बाद 13 रुपये का स्टॉक सीधा चले गया था 21 रुपये के लगभग से स्टॉक आ गया था। वही एक रीज़न है मेरा कि हमें अगर यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिल जाता है, ये जो मैंने पैटर्न बनाया है, यहाँ पर अगर हमें ब्रेकआउट मिल जाता है, तो काफ़ी हद तक हमें रिटर्न्स मिलने वाले हैं येस बैंक में।
एस बैंक काफ़ी अच्छे रिटर्न हमें कमा कर दे सकता है, हो सकता है हमें लॉटरी अगर लगती है, अगर हमारा एनालिसिस सही जाता है तो काफ़ी हद तक हमें रीज़न हमें प्रॉफिट हमें यहाँ पर प्रॉफिट में हम हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से स्टॉक बढ़ा, फिर बढ़ते बढ़ते लगभग 21-20 रुपये तक स्टॉक गया, फिर वहाँ से इसे रिजेक्शन मिला, फिर यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, एक सपोर्ट जोन बन जाता है नीचे के ट्रेड लाइन, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके साइडवेज गया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर रिजेक्शन मिला, फिर से सपोर्ट लिया। लगभग आप देख सकते हो लगभग 3 बार ये स्टॉक सपोर्ट यहाँ पर ले चुका है, फिर यहाँ पर इसे रिजेक्शन मिल गया था, रिजेक्शन मिलने के बाद फिर रिजेक्शन मिला, फिर मल्टीपल टाइम्स बार इसे रिजेक्शन मिला है और कई बार इसने सपोर्ट लिया और यहाँ पर भी ये सपोर्ट ये ले चुका है। तो अभी ये स्टॉक 12 रुपये तक जाने वाला है, 11 या 12 रुपये तक, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है। यही एक इंपॉर्टेंट है कि मैं इतना कॉन्फिडेंटली मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चार्ट एनालिसिस, अगर टेक्निकल एनालिसिस किसी भी स्टॉक में हम करते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिला तो ऊपर स्टॉक गया, वही अगर हमें इसी लेवल पर इन लेवल्स पर ब्रेकआउट मिल जाता है कुछ यहाँ पर ब्रेकआउट मिल जाता है तो काफ़ी हद तक हमें स्टॉक में हमें बढ़त देखने को मिलने वाली है। और मेरा फर्स्ट टारगेट यही रहेगा, मेरा फर्स्ट टारगेट है 20 रुपये तक का मेरा फर्स्ट टारगेट, क्योंकि वही से इसे रिजेक्शन मिला था। तो 20 रुपये के टारगेट को भी अगर ये ब्रेकआउट दे देता है, 20 रुपये के टारगेट को भी अगर ये क्रॉस कर देता है तो काफ़ी हद तक हमारा पैसा यहाँ पर बनने वाला है गाइस, काफ़ी हद तक हमारा पैसा बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट मिलेगा, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट मिलेगा तो स्टॉक ऊपर जाने वाला है। तो काफ़ी सस्ते में स्टॉक मिल रहा है, अगर आप इसमें बाइंग करने में इंटरेस्टेड हो तो आप बिल्कुल इसमें बाइंग कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। सो गाइस वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।